शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी एक ऑल पार्टी मीट करने जा रही है। इन्हीं से पूछते हैं कि क्या कारण है जो गुपकार गैंग को छोड़कर ये लोग अब ऑल पार्टी मीट और जम्मू से संबंधित जितने भी नेता हैं उनको इस मीट में बुलाया जाएगा। मनीष जी क्या कारण है, आप कभी गुपकार का हिस्सा रहे हैं, क्या हुआ धारा 370 पे एक सुप्रीम मोहर लगने के बाद ये पलटी मारेगी? देखिए पहले तो आपके व्यूवर्स को आपको भी ठीक कर दूं कि कभी भी शिवसेना गुपकार का हिस्सा नहीं थी, ऑल पार्टी का हिस्सा थी। मैं यही रोकना चाहूंगा क्योंकि आप हर गुपकार की जितनी भी वो मीटिंग होती थी आप शामिल होते थे। नहीं, वो गुपकार की मीटिंग्स नहीं होती थी। आप देखिए गुपकार की मीटिंग में हमेशा 370 पर बातचीत होती थी, मगर जो ऑल पार्टी मीट थी उसके अंदर स्पेशल एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम रखा गया था, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा और जल्द लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाली पर ही बात होती थी। आप किसी भी हमारी ऑल पार्टी मीट में जिसमें शिवसेना पार्टिसिपेशन था उसका हमारा, आप बताइए कोई भी एक बयान दिखा दीजिए चाहे किसी भी कश्मीर के नेता का जिसने धारा 370 के हक में बात की हो। बिल्कुल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी उस मीटिंग के अंदर कभी धारा 370 के हक में या विरोध में अंदर बात नहीं की जाती। कश्मीर की जितनी पार्टियां हैं वो धारा 370 को लेकर सियासत करती रही हैं। गुपकार गैंग भी इसी वजह से बना था, ठीक है, और वो क्यों बात करेंगे ये सबसे बड़ा सवाल पहला होता है। बहुत 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 बढ़िया सवाल है, मैं एक और आपका जवाब देना चाहता हूँ। देखिए इन लोगों के साथ अगर आप बैठक में बैठने का मतलब समझ लेते हो कि 370 के पक्ष में है, तो मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं के साथ एक बैठक का दिल्ली में आयोजन किया था। क्या प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 370 बहाली हो? लेकिन केंद्र ने तो तोड़ दिया ना, केंद्र ने तो 370 को हटा दिया ना, उसके बाद ही बैठक का आयोजन किया था प्रधानमंत्री में वहां पर दिल्ली के अंदर, जिसमें इन लोगों को अपने साथ बैठक के अंदर बिठाया गया था और 14 लोग कश्मीर से इनवाइट किए गए थे, जम्मू से मात्र एक या दो लोगों को इनवाइट किया गया था वहां पर। क्या वो 370 के हक में थे? चलिए वो पुरानी अब बातें हो गई, हम आज की बैठक के बारे में जो है बातचीत करते हैं जो हम आगे करने के लिए जा रहे हैं। देखिए सबसे और उससे एक और मैं आपने क्लैरिफिकेशन दे दूं, जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अभी हाल ही के अंदर बयान आया डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का, वो बयान मैं बोलूंगा नहीं, जहन्नम को लेकर जो है बयान था, और जम्मू कश्मीर को कहा कि जहन्नम में जाए जम्मू कश्मीर, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं बौखलाहट जो है वो साफ नजर आ रही है। देखिए उसकी आलोचना किसने की? शिवसेना ने की। कोई बीजेपी का नेता उसकी जम्मू कश्मीर का आलोचना करने के लिए बाहर नहीं आया, हम लोगों ने ही उसकी आलोचना की। जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, आप याद कीजिए 2017 का वाक्य, आज भी आप गूगल पर सर्च कर लीजिए शिवसेना लाल चौक, वो गूगल का पूरा गूगल पूरा वाक्य आपको निकाल कर दे देगा। 2017 दिसंबर के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला द्वारा चैलेंज किया गया था कि अगर हिम्मत है प्रधानमंत्री मोदी जी में तो आइए लाल चौक पर तिरंगा लहराकर फिर आइए। कोई बीजेपी का नेता वहां नहीं गया था, सिर्फ 8 शिव सैनिक गए थे, मैं भी उसके अंदर उस समय वहां पर मौजूद था, हमने वहां तिरंगा लहरा कर दिखाया था। तो जब जब ये लोगों ने देश के खिलाफ बात की है, अगर सबसे अग्रणी पंक्ति के अंदर कोई खड़ा हुआ है तो वो शिव सेना खड़ी हुई है और कोई बीजेपी का नेता खड़ा नहीं हुआ। अब आते हैं आज के मुद्दे पर, लंबी चली गई है बहस। देखिए 18 दिसंबर को शिवसेना और सैनिक समाज पार्टी की तरफ से मिलकर जो है एक बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बैठक का मुख्य मकसद है जम्मू के मुद्दे, खास करके जम्मू संभाग के, जिनको हमेशा नज़रअंदाज मैं तो कहूँगा किया जाता रहा है पिछले 75 सालों से। चाहे 370 जब थी तब भी हम जम्मू के साथ भेदभाव का आरोप लगाते थे, 370 हटने के बाद आज भी जम्मू जो है वो दरकिनार रहता है, आज भी केंद्र सरकार जो है उसका फोकस हमेशा कश्मीर पर केंद्रित रहता है। हम जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा धारा 371 के तहत स्थानीय लोगों के लिए विशेष अधिकार के साथ स्पेशल जम्मू के मुद्दों को उठा रहे हैं, जम्मू को हम आगे ला रहे हैं। जम्मू के लिए दूरदर्शन की मांग की जा रही है जो लगातार उसको बंद करने की जो है लगभग बंद ही हो चुका है वो, कि 24/7 जम्मू दूरदर्शन चलना चाहिए। जम्मू संभाग को पूरी तरह से टोल मुक्त किया जाए। जम्मू संभाग के अंदर जो अपराध बढ़ रहा है, लगातार किडनैपिंग बढ़ रही है, चोरी की घटनाएं बढ़ रही है, यानी
उन पर जो है वो अंकुश लगाया जाए। और विशेष तौर पर हमारा मानना है कि इन सब के पीछे रोहिंग्या जो अवैध तरीके से जम्मू के सीमा के अंदर, जम्मू के इलाकों के अंदर बसे हैं, उनकी जो है गहन जांच पड़ताल की जानी चाहिए कि वही अपराध के अंदर शामिल हैं। नशाखोरी जो लगातार जम्मू में बढ़ रही है उसके खिलाफ जो है अभियान चलाया जाएगा। शराब की दुकानें जो जम्मू के चौंक चौंक पे, चौराहे चौराहे पे खुल दी गई हैं, उसके साथ जो जम्मू के अंदर डोगरी के साथ सबसे ज़्यादा बोलने वाली भाषा है पंजाबी भाषा को आधिकारिक दर्जा दिया जाए, जम्मू के जो हमारे डेली वेजर हैं उनको जो है पक्का किया जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है बातचीत की। कहीं ना कहीं जो जम्मू के मुद्दे हैं उनको लेकर बात होगी। और मैं आप पूछना चाहूँगा, जब भी आप मीटिंग होती थी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि गुप्कार की मीटिंग होती थी, जो भी मीटिंग होती थी उस समय क्या आप जम्मू के मुद्दों को अहमियत देते थे, उनसे इस पे चर्चा जो है वो करते थे, या 370 हटने के बाद अब यहाँ से अब लोगों के मुद्दों को जो है वो हल करने की कोशिश? बहुत बहुत बढ़िया सवाल आपका, और ये जरूर करना भी चाहिए था, मैं तो इसका जवाब देने के लिए बहुत उत्साहित हूँ। देखिए बिल्कुल उस समय भी जम्मू के मुद्दे उठाए जाते थे, मगर जम्मू के नेताओं की संख्या बहुत कम होती थी, कश्मीर केंद्रित ही होती थी, और खास करके मीडिया भी उन्हीं मुद्दों को तवज्जो देता था जो कश्मीर केंद्रित मुद्दे होते थे। मगर अब स्पेशल जम्मू के ही मुद्दे उठेंगे, जम्मू की ही पार्टियों को हमने इनवाइट किया गया, बिल्कुल इस बैठक के अंदर एनसी नहीं होगी, पीडीपी नहीं होगी, बीजेपी नहीं होगी, कांग्रेस नहीं होगी, तमाम जम्मू की राजनीतिक पार्टियां नहीं, गैर राजनीतिक लोग भी, बुद्धिजीवी भी, जो जम्मू का हित सोचे, जम्मू पर जो है हमारे साथ चले और जम्मू को लेकर जो है जम्मू के मुद्दों पर आवाज़ बुलंद की जाए। हमारे साथ सैनिक समाज से भी हैं कर्नल जी। सर क्या कहेंगे, आप भी इस मीटिंग का हिस्सा हैं, तो क्या अब आने वाले दिनों में ये समझा जाए कि जम्मू के मुद्दे हैं, खास करके जिस प्रकार से पहले कश्मीर के अंदर जितनी पार्टियां रही हैं वो लगातार जम्मू और कश्मीर के अंदर एक खाई का काम करती रही हैं, जम्मू को हमेशा से नज़रअंदाज किया जाता रहा, क्या आपको वो आवाज़ें बुलंद होंगी? देखिए लाइफ जो है, या राजनीतिक बोली या सोशल सोसाइटी बोलीजिए, इसके अंदर परिवर्तन जो है वो सबसे बड़ी चीज़ है। परिवर्तन आता है, कई वजह बनती है। अभी तक क्या होता रहा है कि ये कश्मीर बेस्ड जितनी भी पार्टियाँ, अब्दुल्लाज और मुफ्तीस, इन्होंने 70 साल तक पावर में रहे हैं और जम्मू रीजन को इन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया है, डिस्क्रिमिनेट किया है, और इसके साथ एक सौतेले बेटे वाला व्यवहार किया, जिसकी वजह से जम्मू में ना तो लीडरशिप ओवर के सामने आ सकी और ना ही जम्मू के लोगों की डेवलपमेंट हुई। 370 के अंदर जो इनकी बौखलाहट है आपने देखी होगी, बिल्कुल, महबूबा मुफ्ती देखी हुई, उमर अब्दुल्ला देखी, और जहाँ तक कि आज़ाद साहब जो हैं बेहाल डिसअपॉइंटेड, एंग्री है, फ्रस्ट्रेटेड। बिल्कुल, फारूक अब्दुल्ला का बयान जो भी आया है कि जम्मू कश्मीर जहन्नुम में जाए, लेकिन ये 3 बार चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, प्रेजेंट एमपी हैं, उनको ये शोभा नहीं देता कि अपनी फ्रस्ट्रेशन को इस तरीके से बाहर निकालें, और ये दुनिया भर में ये चीज़ें जा रही हैं, और हमारी क्या इमेज बनेगी, हमारी कंट्री की क्या इमेज बनेगी, ये शायद वो सोचने की उम्र में नहीं है, 86 साल के हो गए अभी। फारूक अब्दुल्ला जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया और जहन्नुम को पहुँचाया जिसने वहाँ पर बीजेपी ने, जबकि ये लोगों के दिमाग में और मेरे दिमाग में भी बहुत क्लियर है कि अगर जहन्नुम में जनते को पहुँचाया वो अब्दुल्ला जो महफूब भी नहीं किया। ये लोग ना सिर्फ एंटी नेशनल हैं बल्कि एंटी पीपल भी हैं। तो अभी हम यही कर रहे हैं कि भाई जम्मू रीजन के जो हमारे अपने अधिकारों की रक्षा करनी है, लोगों का वेलफेयर देखना है, यहाँ की डेवलपमेंट देखनी है, उसके लिए ज़रूरी है कि जम्मू में नई लीडरशिप हो। अभी हमने शिवसेना के साथ तकरीबन 6 महीने पहले अलायंस किया हुआ, कल को हम इकट्ठे इलेक्शन लड़ेंगे, और ये कोशिश हम इसलिए कर रहे हैं ताकि एक प्लेटफॉर्म से, एक आवाज़ के साथ हम जम्मू के लोगों की हित की आवाज़ उठाएँ और इन्वाइट करें, ताकि जब देखिए अब जब कंबाइन या एक कॉमन प्लेटफॉर्म से आप लोग बोलते हैं उसको जो इम्पैक्ट भी ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट भी उसके ऊपर तवज्जो देती है। तो हमारा मुद्दा भी यही है कि एक ही प्लेटफॉर्म से लोगों के हितों की जो भी आवाज़ें हैं उनको हम आगे पहुंचाएं, और उसके बाद उम्मीद करें कि लोगों का जो है उनकी प्रॉब्लम से रिलीफ मिले। बिल्कुल, तो धारा 370 टूटने के बाद अब जम्मू के हितों की आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। हालाँकि जो भी मीटिंग डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के घर में होती थी उसमें शिवसेना मौजूद रहती थी, लेकिन धारा 370 टूटने के बाद अब जम्मू के हितों की बात उठना शुरू हो चुकी है। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, इंडियन ट्रिब्यून, 24/7 जम्मू।